सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। और इस बार मैंने डिसाइड किया था कि अपनी बाइक पे ढेर सारा सामान बांध के एक नोमैडिक ट्रैवलर की तरह मैं फाइनली निकलता हूँ अपनी चारधाम यात्रा के लिए। और मैंने अपनी बाइक को पूरा तैयार किया और फाइनली सुबह सुबह मुझे मम्मा छोड़ने आई और इतना ज़्यादा इमोशनल होके इन्होंने भगवान से दुआ मांगी कि भगवान जी मेरे बच्चे को सलामत रखना। और फाइनली आई थॉट एक बार बाइक दिखा दूँ। और काफ़ी लंबे सफ़र करने के बाद मैं पहुंचा उत्तराखंड की बेहतरीन सी वादियों में और बाइक की स्टेबिलिटी के क्या ही कहने, मज़ा आ गया था चला चला के। और थोड़ी देर देना है थॉट कि यहाँ पे रुका जाए, सुकून महसूस किया जाए, बर्फ़ से ढकी हुई वादियों को, पहाड़ों को देखा जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। और गाइस फिर थोड़ा सा आगे चलने के बाद जिस गाँव में मैं पहुँचा वो उत्तराखंड का बहुत ही छोटा सा बट फिर भी इतना प्रसिद्ध गांव है जिसका नाम है देवप्रयाग। यहाँ से दो नदियाँ आती है, भगीरथी है, अलकनंद, और यहाँ मिलते हैं दो नदियाँ और यहाँ से शुरू होती हैं गंगा जी। फिर बाइक चलाने के बाद फाइनली मैं पहुँचा सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग एक बहुत ही छोटा सा शहर है। यहाँ से आप अपनी बाइकें कार्स वगैरह खड़ी करते हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक टैक्सी लेते हो जिसकी कीमत है सिर्फ 50 रुपये। और यहाँ से जो टैक्सी आपको पहुँचाती है गौरीकुंड, और गौरीकुंड में पहुंचने के बाद भैया मुझे मिले उत्तराखंड के जाने माने व्लॉगर्स जो कि मेरे दोस्त भी हैं। रात को सोए बाहर इन टेंटों में, सुबह देखी बेहतरीन सी वादियाँ, एंड देन वी रियलाइज कि हम लोग तो गौरीकुंड का जो मंदिर है, जो गौरी मंदिर है, उसके सामने थे। और यहाँ पे हमारे तुषार भाई हल्द्वानी से तो दोनों भाइयों ने साथ में टेंट डाला था बट एक सेकेंड की नींद नहीं आई थी क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड थी, मैं तो बिल्कुल ही नहीं सो पाया था। और गाइस यात्रा शुरू करने से पहले हमारे सामने थे इंडियन आर्मी के जवान जिन्होंने प्ले किया था बेहतरीन सा बैंड। और यहाँ पे इतने सारे लोग आए हुए थे कि मानो आज के बाद इनको ये अवसर देखने के लिए ना मिले। और यहाँ पे केदार बाबा जी का डोला ऊपर जाते हुए, और गाइस ठीक इस डोले के पीछे थे वहाँ के पुजारी जो खुद भी तैयार होके बड़े बन ठन के बैठ गए थे अपने खच्चर के ऊपर। और फिर उन्होंने भी अपनी जो यात्राएं शुरू कर ली थी और हम लोग चल रहे थे ऑन फुट यानी कि पैदल। और ऊपर चलते चलते एक तो थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी और साथ ही साथ जितने यात्री वहां पे गए थे एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए खुद भी आगे बढ़ रहे थे, हमें भी लेकर चल रहे थे। और इतनी बर्फ़ वहां पे थी और इतनी ज़्यादा ठंड हो चुकी थी कि मानो हमारा वहाँ पहुँचना मुश्किल हो गया था। और ठीक उसी टाइम मेरे को मिले लुधियाना के एक बड़े क्यूट से सरदार जी जो कि भाई अपनी यात्रा नंगे पैर कर रहे थे उस कड़ाके की ठंड में, भाई हैट्स ऑफ इस बंदे को। और फिर आगे चलते चलते इंदर भाई के साथ ही हम रात को पहुँचे हैं घोड़ा पड़ाव। और घोड़ा पड़ाव से ठीक 400-500 मीटर आगे पहुँच जाते हैं हम बेस कैंप में। और यहाँ पे जो नज़ारा देखने को हमें मिला है शायद ही ज़िंदगी में कभी दोबारा हमें ऐसा मौका देखने के लिए मिले। और रात को टेंट में सोने के बाद सुबह उठ के हर हर महादेव बोल के पहुँच गए हम केदारनाथ मंदिर के आगे। और ये जो बैंड आपके सामने प्ले कर रहा है बढ़िया सा ढोल, इन लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया सबसे ऊँची हाइट पर पहुँचने के बाद इतने सारे लोगों ने जो ड्रम्स बजाए हैं, भाई लाजवाब मौका था और देखने वाला मौका था। और उसके बाद मैं पहुंच गया था भीमशिला जी के दर्शन करने। जी हाँ दोस्तों, ये वही भीमशिला पत्थर है, वो विशाल पत्थर जिसने 2013 में जो आया प्रलय था इस मंदिर को, केदारनाथ मंदिर को बचाया था भारी बारिश से और भारी फ्लड से। और मत्था टेकने के बाद ढेर सारे साधु संतों और खुद केदार बाबा के दर्शन करने के बाद भाई हम निकल गए वापस अपने सफ़र की ओर जो कि था केदारनाथ से गौरीकुंड का सफ़र। और इस दौरान हुआ ये कि मेरे साथ जो इंद्रजीत था जो लुधियाना से नंगे पैर आया था, उस बेचारे ने सोचा था कि दर्शन करने के बाद मैं फाइनली जाके चप्पलें पहनूंगा और जूते या चप्पलें पहन के अपना रास्ता कंटिन्यू करूंगा वापसी का। बट हुआ कुछ ऐसा, इसकी जो चप्पलें थी इसके जो जूते थे दोनों के दोनों चोरी हो गए थे वहाँ से। और फिर देन वी थॉट कि हम लोग हेलीकॉप्टर ले लें, बट हेलीकॉप्टर का प्राइस इतना ज़्यादा था कि देन वी थॉट यार अगर आज हमने यहाँ पे पैसे दे दिए तो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा हमारी जेब में जितना भी रोकड़ा है। देन वी थॉट कि यार आराम आराम से हम लोग अपना सफ़र कंटिन्यू करें और दोबारा पीछे मुड़ के भोले बाबा के दर्शन करें खुली आँखों से और मन्नत मांगे कि भाई जो कोई कहाँ भी है, जो भी उसकी मनोकामनाएं है सारी की सारी पूरी हो जाए।
और फिर बस होना क्या था, जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था हम लोगों ने एक्सपीरियंस करी, वहाँ की पहली स्नोफॉल। एंड देन वी थॉट यार इससे पहले मौसम और बिगड़े और हम नीचे जाने के हालत में भी ना हो, क्योंकि नीचे बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी जो सुनने में आया था, और ऊपर इस टाइम पे बर्फबारी स्टार्ट हो गई थी। फिर छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके, छोटे छोटे कदम लेते सार हम लोगों ने शुरू किया अपना सफ़र, और ऐसी हम लोग पहुंच गए थे गौरीकुंड, और गौरीकुंड से फिर हम लोगों ने वापस अपना स्टार्ट किया सफ़र जो कि था हमारे घर तक का। तो गाइस कुछ ऐसे से हुए हमारे बेहतरीन से दर्शन केदारनाथ धाम के और भोले बाबा के। हर हर महादेव।